शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए, ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत, एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री, चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है चैत्री पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है, चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोज क्या करूं मैं। दर्शकों, पूर्णिमा तिथि का बड़ा विशेष महत्व होता है। जिसके घर में धन संपदा की कमी होती है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती, यदि वो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन अपने घर पे खीर बनाते हैं तो ऐसे में, और उस खीर को आप माता लक्ष्मी के समक्ष समर्पित करते हैं, तो ऐसे में आपके घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।